खाते हैं। और आज हम आपको लेके चलेंगे MAMC यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया के प्रीमियर कॉलेजेस में से एक माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े इस कॉलेज की नींव 1959 में गोविंद बल्लभ पंत ने रखी थी और इसका नाम फ्रीडम फाइटर और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम। ये है कॉलेज का ऑडिटोरियम जहां प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स सारे फंक्शंस और इवेंट्स अटेंड करते हैं। सर्जरी अपडेट भी यहां होता है, जहां सर्जरी और मेडिसिन की फील्ड की नई उपलब्धियों को प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। MAMC के पहले डीन डॉक्टर BL तनेजा की प्रतिमा स्टूडेंट्स को इस शानदार इंस्टीट्यूट की परंपरा कायम रखने का हौसला देती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हो, HOD, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम और इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पर मिल ही जाएगा। डीन ऑफिस कैंपस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर किसी को डीन से मिलना हो तो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही संभव होता है, और इस एरिया को डीन्स कार्पेट भी कहा जाता है। MAMC के लेक्चर हॉल्स में बड़े ही दिलचस्प विषयों और बातों का भंडार होता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं कैंपस के उस भाग में जहाँ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपना अधिकतर समय बिताते हैं। एनाटॉमी हॉल, इसे डिसेक्शन हॉल भी कहा जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स को सर्जरी और एनाटॉमी के बेसिक से रूबरू कराया जाता है। यहाँ ऐसे अलग अलग स्टेशन पे छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स काफी नजदीक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। कैंटीन, भाई हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी कैंटीन ही ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स क्लासेस के बीच में या दिन खत्म होने पर दोस्तों के साथ बातें करते हुए स्नैक्स और कॉफी का लुफ्त उठाते हैं। लाइब्रेरी, खैर ये जानकर तो आपको हैरानी बेशक नहीं होगी कि MAMC की सेंट्रल लाइब्रेरी की गिनती मेडिकल विषयों से जुड़ी किताबों के लिए इंडिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज में की जाती है। मेडिसिन और सर्जरी रिलेटेड फील्ड्स का अमूल्य ज्ञान इस विशाल लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शंस में आपको मिलेगा। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त है। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज में एडमिशन लेने वाली महिला छात्रों के संजीवनी हॉस्टल को ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल भी बुलाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने और खाने पीने के अलावा उनकी फिजिकल और एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में भी ऐसी ही फैसिलिटीज हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों से ही जुड़ी फैसिलिटीज दी जाती हैं। पूरे दिन लेक्चर हॉल्स और स्टडी रूम से हटकर और खूबसूरत सेल्फीज क्लिक करने के लिए इस साइन के पास आते हैं। फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच ये स्पॉट